नमस्कार, मैं श्वेता आपका ओली न्यूज नेशन में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। नेहरू गांधी पर CIA का खुलासा, अमेरिकी RTI ने राहुल सोनिया के धागे खोल दिए। यह खबर आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक गुजारिश भी आपसे करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको लगता है कि हम देश हित का काम कर रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि हमें गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करें। चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी को भले ही वोटरों ने बार बार नकारा हो, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए सोनिया गांधी की बेचैनी जब ना तब झलकती ही रहती है। सोनिया का अब जैसे एक ही लक्ष्य है कि कैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक बार बेटे को बैठा देख लें। लेकिन विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, कांग्रेस का बीड़ा उठाने वाले राहुल गांधी लगभग हर चुनावी समर में औंधे मुंह गिरते रहे हैं और उठने का कोई उम्मीद भी नहीं नजर आती। राहुल की इस स्थिति को लोग उनकी राजनीतिक अपरिवक्तता से सबसे ज्यादा जोड़कर देखते हैं। लेकिन राहुल ही क्यों, उनके पिता राजीव गांधी भी राजनीतिक रूप से अपरिवक्त ही माने जाते थे। राजीव गांधी के अपरिवक्त होने की बात तो पुराने दस्तावेजों में भी दर्ज रही है जो अपने सामने आई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं माना था 34 साल पहले। इस रिपोर्ट में ये बात दर्ज की गई थी कि अगर इंदिरा गांधी की अकस्मात मौत हो जाती तो उनके बेटे राजीव गांधी उनके बाद प्रधानमंत्री का कार्यभार नहीं संभाल सकते। रिपोर्ट में इसकी वजह राजीव गांधी की राजनीतिक रूप से अपरिपक्वता को बताया था। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की ये रिपोर्ट इंदिरा गांधी की हत्या से महज 2.25 साल पहले 14 जनवरी 1983 की है, जिसे कुछ काट छाट के बाद पिछले साल दिसंबर में सार्वजनिक की गई। इस रिपोर्ट में लिखा कि इंदिरा गांधी की अचानक हत्या होने पर राजीव गांधी उत्तराधिकारी की दौड़ में शामिल चेहरे में होंगे। उनके राजीव गांधी पदभार संभालने की संभावना अनिश्चित है क्योंकि राजनीतिक रूप से वो अपरिपक्व है और पार्टी के साथ ही वोटरों पर अपना प्रभाव छोड़ने में नाकाम है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इंदिरा गांधी के ऑफिस में और अधिक समय तक रहने पर राजीव गांधी की संभावनाओं में सुधार हो सकता है। यदि राजीव गांधी अपनी मां की तरह सफल राजनीतिक रणनीतिकार बनकर नहीं उभरते तो सत्ता में आने के बावजूद वो वहां अपनी पकड़ को मजबूत बनाए नहीं रख सकते। इस रिपोर्ट में इंदिरा गांधी के नहीं होने की स्थिति में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे और विकल्पों के तत्कालीन रक्षा मंत्री R. वेंकटरमन, विदेश मंत्री P. नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और उद्योग मंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी के नाम मिले हैं। हालांकि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की घटनाएं CIA के आकलन में अनुरूप नहीं है क्योंकि इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारियों के रूप में राजीव गांधी ने ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके 2 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर में कांग्रेस को बड़ा जनादेश मिला था और प्रधानमंत्री पद पर राजीव गांधी ही बने रहे। लेकिन CIA ने अपने उस आलाकमान में बहुत हद तक सही निकाली कि राजीव गांधी सत्ता में आए भी तो भी पकड़ नहीं बनाए रख सके। हुआ भी वही, ऐतिहासिक जनादेश के मद में उन्होंने कई ऐसे फैसले किए जिनसे विवादों का गहरा नाता जुड़ा है। फिर वो फोर्स घूस कांड में चिरकर उन्होंने अपनी सत्ता भी गवा दी थी। CIA ने इंडिया इन दी मिड 1980s गोल्स एंड चैलेंजेस नाम की ये रिपोर्ट सूचना के स्वतंत्रता कानून के तहत जारी की थी, जो भारत के सूचना के अधिकार RTI की तर्ज पर अमेरिकी कानून है। इस रिपोर्ट में उस दौर के भारत में संभावनाओं और विभिन्न राजनीति परिदृश्यों पर विचार किया गया था। उस रिपोर्ट में से कुछ जानकारियां हटाए जाने के बाद 30 पेजों का जो दस्तावेज है उसमें 1985 में होने वाले चुनाव में मामूली अंतर से इंदिरा गांधी के दोबारा चयन और उससे पहले उनके आकस्मिक निधन होने की स्थितियों पर विचार और आकलन रखे गए हैं। CIA की रिपोर्ट में कहा गया था कि इंदिरा गांधी के नहीं होने से उत्पन्न परिस्थितियों में कांग्रेस कमजोर पड़ जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि उसी वक्त से कांग्रेस की हालत लगातार बिगड़ती चली गई और अब तो उसका अस्तित्व ही खतरे में है। दुनिया भर में खुफिया एजेंसियां अपने हित से जुड़े देशों के राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करने के लिए भी जानी जाती हैं। लेकिन CIA की इस रिपोर्ट में एक बात पर जरूर मोहर लगती दिख रही है कि इंदिरा गांधी के बाद गांधी नेहरू परिवार देश पर अपरिपक्व नेतृत्व थोपने की फिराक में लगा रहता है।
इस खुलासे के बीच हम आपको लिए चलते हैं राहुल सोनिया अपशब्दों की खेती की तरफ, जो वक्त वक्त पर उनकी जुबान पर आते रहते हैं। देश ने राजनीति का वह दौर भी देखा जब राहुल गांधी के पिता और पूर्व पीएम राजीव गांधी पर भी बोफोर्स सौदे में दलाली खाने के आरोप लगे थे। राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी के करीबी क्वात्रोची को फायदा पहुंचाने के सबूत भी सामने आए थे। हालांकि तब किसी ने भी राजीव गांधी और सोनिया गांधी को चोर नहीं कहा था। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर कोयला और दूजी घोटाले में जानबूझकर आंखें बंद करने का आरोप लगा था, लेकिन उन्हें भी भाजपा के किसी भी नेता ने अपशब्द नहीं कहे। आपको बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में सोनिया गांधी पर कानूनी कार्यवाही की तलवार लटकी रही। खुद राहुल गांधी इनकम टैक्स चोरी के आरोप में घिरे हुए हैं। करोड़ों रुपए के नेशनल हेराल्ड घोटाले में वे जमानत पर हैं, लेकिन अब तक किसी ने उन्हें चोर नहीं कहा है। बहरहाल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अपशब्दों का हस्तक्षेप करती रही कांग्रेस को ऐसे अमर्यादित आचरण की कीमत भी चुकानी पड़ी है। कभी पूरे भारत पर राज करने वाली कांग्रेस आज महज 4 राज्यों में सिमट गई है, लेकिन वह आज भी सबक नहीं सीख पाई है। पीएम मोदी के लिए राहुल सोनिया की नफरत। 20 सितंबर 2018 को राहुल गांधी ने जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहा था। 6 अक्टूबर 2016 को राहुल गांधी ने सेना को गाली दी और पीएम मोदी को खून का दलाल कहा था। 1 फरवरी 2014 को सोनिया गांधी ने पीएम को जहर की खेती करने वाला कहा था। दिसंबर 2007 में सोनिया गांधी ने गुजरात के प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर कहा था। बहरहाल, यह स्पष्ट है कि राहुल उस रणनीति पर काम कर रहे हैं जिसमें एक झूठ बनाकर उसे बार बार बोला जाता है, लेकिन चुनावी फायदे के लिए शाब्दिक मर्यादाओं को ताक पर रख देना तो कतई जायज नहीं है। आपसे अनुरोध है कि देश हित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमें अपनी राय जरूर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें UPI नंबर 9911955719 पर सहायता राशि देकर हमें प्रोत्साहित करें। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ओनली न्यूज़ नेशन।